Very very good morning. Very very good morning to my dear students. Today we are going to start class 6 lesson number 5 which name is Pretty Words. In this poem the writer compare words with pets. हम इस poem में क्या पढ़ेंगे कि जो poet है उसको words से शब्दों से इतना प्यार है वो pets पालतू जानवरों के साथ उनकी compare कर रहा है और वो बताता है कि उसको कैसे words use करना पसंद है और क्या थी? तो आज हम इस वीडियो में इसके वर्ड मीनिंग और इस चैप्टर की इस पोयम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे. इस पोयम में हमारे टू स्टेंजा है. फर्स्ट स्टेंजा हमारा ये है, सेकंड स्टेंजा हम इसके बाद डिस्कस करेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद पोयम. फर्स्ट क्या है, पहले हम मीनिंग देख लेते हैं. मीनिंग देखने के बाद हमें पोयम की एक्सप्लेनेशन करना इजी हो जाएगा. तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है, डोसाइल. डोसाइल मीन्स क्या होता है, सिंपल 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 वर्ड्स होते हैं जो साधारण. सेकंड है इनामर्ज. इनामर्ज बोलते हैं लेयर को, जब हम किसी चीज के ऊपर पेंट वगैरह कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, वो होती है लेयर. थर्ड है स्विश. स्विश मीन्स हिलना, शेक, हिलना, जब कोई चीज हल्के हल्के वाइब्रेशन होती है उसमें या फिर वो हिलती है. ओके टेंडर. टेंडर क्या होता है, नाजुक, बिल्कुल सॉफ्ट. ओके डैपर्ड. डैपर्ड मीन स्पॉटेड भी बोल सकते हो, स्पेकल्ड भी बोल सकते हो. इसका मीनिंग क्या होता है, रंग बिरंगे. परी. परी का मतलब क्या होता है, जब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है उसके साउंड को बोलते हैं ग्रंट, म्याऊं. ल्यूमिनस. ल्यूमिनस मीन शाइनिंग, चमक, जिसमें बहुत सारी चमक होती है. अपेलेसेंस, व्हाइट कलर दैट शाइन, व्हाइट कलर जो बहुत चमकता है. ओके मोथ. मोथ को हम बोल देते हैं डोर, कीट, जो छोटे छोटे गर्मियों में आज के टाइम में जो आपके टाइम में है वो बहुत सारे छोटे छोटे कीट निकल के आ जाते हैं, उनको बोलते हैं डोर या मोथ या इंसेक्ट भी बोल सकते हो उनको. लास्ट हमारा है हनीर. हनीर मीन्स नेक्टर, मीठा. ठीक है, जो मधुमक्खियां, यहाँ पे हमने हनीर का मीन क्या लिया, मधुमक्खियों का जो शहद होता है ना वो बहुत ही मीठा होता है. तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे वर्ड मीनिंग. अब इसके बाद हम हमारे पोएम में दो स्टैंडर्ड है, अभी देखिए हम फर्स्ट स्टैंडर्ड की एक्सप्लेनेशन. तो देखिए इसमें पोएट क्या कहता है, पोएट मेक पैट ऑफ प्रीटी दो साइन वर्ड्स. क्या कहता है, कैसे वर्डों को पसंद करता है पोएट, कैसे वर्डों को शब्दों को अपने पैट बनाना चाहता है, मीन्स प्रीटी दो साइन वर्ड्स. मीन्स क्या कहना चाहता है इस लाइन में राइटर, हमें ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए जिन पे हमारे कमांड हो, ठीक है, जिनको हम अच्छे से बोल सके. तो यही लाइन है, पोएट मेक पैट ऑफ प्रीटी डोसाइल वर्ड्स. ठीक है, सिंपल और साधारण अक्षरों को वो पसंद करता है. आई लव स्मूथ वर्ड्स, उसको बिल्कुल स्मूथ सिंपल से वर्ड्स पसंद है, लाइक गोल्ड इनामल फिश, जैसे कि एक फिश होती है मछली, ठीक है, वो चमकती है, बड़ी ही चमकती है, वो सोने की तरह. अब देखिए विच सर्कल स्लोली विद अ सिल्वर स्विश एंड टेंडर वंस लाइक डाउनी फीडर्स बर्ड. ठीक है, ऐसे वो बार बार कह रहा है मुझे वो सॉफ्ट बर्ड चाहिए, जैसे क्या होता है, हवा में हल्की हल्की वाइब्रेशन होती है, सिल्वर स्विश, वाइब्रेशन हल्की हल्की, पेड़ हिलते हैं हल्की हल्की हवा की वजह से. टेंडर वन लाइक डाउनी फीडर बर्ड, जैसे फर्ड के बर्ड्स के ना पंख होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसे वर्ड्स उसको पसंद है. ओके वर्ड शाई एंड डैपर डीप आई डियर इन हर्स. तो स्टूडेंट्स इस लाइन का मीनिंग यहाँ पे ध्यान से देखना, वर्ड शाई, वर्ड शाई का मतलब होता है शर्मीले. डैपर, डैपर का मीनिंग हमने देखा था स्पेकल, रंग बिरंगे. आई डियर इन हर्स, हर्स का मतलब होता है झुंड. तो देखिए हमारे पास ना इतने वर्ड्स होने चाहिए, वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि हिरन का झुंड होता है, जैसे क्या होता है, हिरनों का झुंड होता है, ऐसे हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए. मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, वो क्या चाहता है, वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज करना चाहता है, वो बहुत सारे वर्ड्स यूज करना चाहता है. केम टू माई हैंड एंड प्लेफुल इफ आई विश, और वो क्या कहता है कि जब मैं इनको यूज करूँ ना, जब मैं इन वर्ड्स को यूज करूँ तो वो क्या चाहता है, इनके साथ खेलना चाहता है. ऐसा नहीं है कि वो बर्डन मान के उनको यूज करना चाहता है, वो बर्डन मान के उनको यूज नहीं, खेलते हुए उन वर्ड्स को यूज करना चाहता है. और फॉर सॉफ्टली एज अ सिल्वर डिश ब्लू पैच एंड किटल
फैट एंड क्रीम एंड कर्ब्स। इसमें ना ब्लू पैशन किटन का एग्जांपल लिया गया, जो क्या खाते हैं, क्रीम और कर्ड खाते हैं। कर्ड मींस क्या होता है, दही। जो क्रीम और कर्ड खाते टाइम क्या होता है, सिल्वर डिश में जब खाते हैं वो सॉफ्टली, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट उनकी आवाज आती है, तो वो ऐसे वर्ड्स को यूज करना चाहता है। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड और हम लास्ट भी बोल सकते हैं, जो पैराग्राफ है हमारा वो है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। आई लव ब्राइट वर्ड्स, वर्ड्स अप एंड सिंगिंग अर्ली। तो देखिए यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, पोएट ने मॉर्निंग वर्ड्स के साथ किसकी कंपेयर किया, वर्ड्स की। मुझे वो वर्ड्स पसंद है, ब्राइट वर्ड्स, चमकीले वर्ड्स, वर्ड्स अप एंड सिंगिंग अर्ली। जैसे पक्षी सुबह सुबह उठ के जल्दी अर्ली मॉर्निंग में उठ के वो सिंगिंग करते हैं। वर्ड्स दैट आर ल्यूमिनियस इन द डार्क एंड सिंग, ठीक है, वो वर्ड्स जो अंधेरे में भी चमकते हैं। ओके, मींस हमें कुछ वर्ड्स ऐसे जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके आते हैं, उसको ऐसे वर्ड्स पसंद हैं। एंड सिंग वार्म लेजी वर्ड्स, वाइट केटल अंडर ट्रीज। अब उसने वर्ड्स की कंपेयर किसके साथ की है, व्हाइट केटल, सफेद रंग के पशु जो पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। ओके, वार्म लेजी वर्ड्स, सुस्त वर्ड्स, नॉट एक्टिव वर्ड्स। ओके, व्हाइट केटल अंडर ट्रीज, जैसे कि सफेद पशु पेड़ के नीचे आराम कर रहे हूँ। अब देखिए, आई लव वर्ड्स ऑपलेसेंट कूल एंड पर्ली, लाइक मिड समर मोथ्स एंड हनीर वर्ड्स लाइक बीज, गिल्डेड एंड स्टिकी विद अ लिटिल स्टिंग। तो यहाँ पे क्या कहता है, मुझे वो सफेद वर्ड्स पसंद हैं जो बिल्कुल क्लियर, दूध की तरह चमकने वाले, सफेद कलर की तरह चमकने वाले, बिल्कुल शांत और चमकीले हो, लाइक मिड समर, जैसे आप देखते हो आसमान में गर्मी में कोई कीट ऐसा होता है, चमकीला सा कीट होता है, अंधेरा होता है, बट उसमें ऐसे जुगनू जुगनू बोल देते हैं जिसको, ऐसा लगता है जैसे लाइट जल रही है। तो वही कहता है लाइक मिड समर नोट्स, जैसे कि गर्मी के जो बीच में कटाई होता है उसमें कीट आते हैं। एंड हनीड बर्ड्स लाइक बर्ड्स लाइक बीज, और वो क्या कहता है, जैसे ना मधुमक्खियों का शहद मीठा होता है, उसको ऐसे ही मीठे वर्ड्स पसंद हैं जिन वर्ड्स से किसी को कोई हानि ना हो। ओके, गिल्डेड एंड स्टिकी विद अ लिटिल स्टिंग, वो ऐसे वर्ड्स को, सोने की तरह प्योर बिल्कुल सॉफ्ट वर्ड्स को वो पसंद करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडियो में हमने इसके वर्ड मीनिंग देख ली, दोनों के दोनों स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन देख ली। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ आया होगा। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के लिए के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।